जय श्री कृष्ण भक्तों, मैं कैलाश पंडित सुपुत्र परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य भागवत कथा वाचक पंडित सोहनलाल शर्मा जी, मैं गुरु जी के आदेश से तथा भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने सखा पार्थ को अर्जुन को दिए गए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के सार को आप सभी को सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं। मैं कैलाश पंडित एक एक करके सभी अध्यायों का सार आपके समक्ष भावपूर्ण स्वर के साथ प्रस्तुत करूँगा। मैं गीता सार को आरंभ करूँ उससे पूर्व कृपया आप सभी हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके सब्सक्राइब कराएं, जिससे सभी सनातन धर्म प्रेमियों के पास ये गीता सार पहुंच जाए और उन्हें धर्म लाभ प्राप्त हो, उनका कल्याण हो। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता सार का 15वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, संसार अश्वत्थ अर्थात पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, सत्व रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं, पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें, नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पराश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। और साथ ही यह विचारना चाहिए कि इसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण हूं। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान आंख चर्म जीभ नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते
अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूं और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण देता हूं। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूं और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष भोज्य चोष्य और लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूं। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूं। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावेत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के ग्राह भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, इति श्री श्रीमद् भगवद गीता सार 15वां अध्याय। हरे नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नमः नमः।